देखिए, हमने बनाई है एक सिंगर की बेस जो कि आपको बहुत ही हैवी दिखने वाली है और बहुत ही हैवी है। इनका वेट ज़्यादा है और इसमें हमने ओरिजिनल JBL का सब वूफर लगाया है। और ये हमारा सब वूफर JBL का और ये 8 ओम और 35 वाट में हमें मिल जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे बजता है और इससे हमें काफ़ी बेस बहुत तगड़ी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट करके और आपको बेस इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। और इसे हमें बजाने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी और हम आपको इसकी सेटिंग बताएंगे कि आपको किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तभी आपको इनमें क्वालिटी दिखने के लिए मिलेगी। तो चलिए पहले हम एम्पलीफायर से सभी बेस को कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमारा है कनेक्टर जो कि हम एम्पलीफायर के अपने सबवूफर वाले पार्ट में लगाने वाले हैं और चारों बेसों को कनेक्ट करने वाले हैं। और अब हम इसमें बैटरी का कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए, ये हमारी सब में हैवी बैटरी है जो कि 12 वोल्ट 9 एम्पियर की है। हम इसका कनेक्शन एम्पलीफायर में करते हैं और देखिए अब एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमारा एम्पलीफायर कनेक्ट हो चुका है। अब हम आपको इसकी सेटिंग बताने वाले हैं। देखिए, पहले हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे हम हाई पे, मतलब बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे सब वूफर की और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे अप करेंगे। Thank you.
जैसा कि आपने देखा, हम लोगों को जो हमने JBL के ओरिजिनल सबवूफर लगाए हुए हैं, इनसे हमें नेक्स्ट लेवल बेस मिल रही है। अब मैं नहीं जानता कि आपको बेस महसूस हो रही है कि नहीं, लेकिन आप हेडफोन का यूज करें तो आपको क्वालिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अब हम, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि हम बहुत दिल्ली से बहुत स्पीकर लाए हैं, तो हम उन्हीं का सभी बॉक्स बनाने वाले हैं धीरे धीरे, जो कि हमने पहले बेस बनाई हुई है और अभी हम इनमें पेंट करके इनके बाद इन्हें रेडी करने वाले हैं। और इनको हम पेंट वगैरह करके बिल्कुल लेवल वगैरह जाली वगैरह लगा के इन्हें तैयार करके इनका गाड़ी पे बिग सेटअप लगाने वाले हैं। तो अभी हम केवल बेस का टेस्टिंग दिखा रहे थे आपको, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी, और हेडफोन का यूज कीजिए तो आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, क्वालिटी के ही स्पीकर मिलेंगे, है ना, हम लोग क्वालिटी का ही मतलब। तो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट बिग सेटअप में।